अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो, वेलकम टू अनदर व्लॉग, क्योंकि व्लॉग काफ़ी अर्से बाद शूट हो रहा है, जो कि क्रिकेट भी नहीं है और बिल्कुल भी क्रिकेट नहीं है, तो वो एक व्लॉग काफ़ी टाइम बाद शूट हो रहा है। तो मैं हूँ, मेरे साथ साथ भाई मौजूद हैं, पीछे गाड़ी में एहतिशाम मौजूद है और आगे वाली गाड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं सुहेब, हादी, नुमान और जैद। चार लोग आगे मौजूद हैं, तीन लोग हम लोग हैं। पहले हम लोग जो है वो जैद को जो है उसके घर से पिक करने जा रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे का प्लान उसाम आपको बताता है। आगे का प्लान सिंपल है, कल की वीडियो में बताया था, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से मैच जीते या ना जीते हमने जाना है बकरा खाने। मैच हम हार गए, उसके तासुरात, उसके जज्बात वो अलग हैं, उसकी एक पूरी वीडियो अलग बनाएंगे। अभी खाना वाना ज़रा पेट में कुछ जाए उसके बाद। तो प्लान अभी का ये कि अभी हम जा रहे हैं बल्दिया से आगे हब चौकी के पास जा रहे हैं, बेसिकली हम बकरा खाने। जगह क्या है, प्रोग्राम हादी का है, वो लेकर जा रहा है, उसने बताया कि भाई यहाँ बहुत ज़बरदस्त बकरे का सीन है, तो वो सब जानकारी हादी से हम लेंगे वहाँ जाके। तो अभी रास्ता है तकरीबन 40 मिनट का और उसके आगे के सीन से भी दिखा दें आपको। बिल्कुल लाल हो रहे हो साथ भाई तुम भी आज, ये खून का असर तो नहीं पड़ रहा तुम्हारे शायद लाइट का जो हम मैच आ रहे हैं आज, अब थोड़े वाइट हो गए। जैद को पिक करने आए हैं और ये नुमान भाई पानी लेने गए हमारे लिए। खाना खाने नहीं जा, ऐसा लग रहा है हम खाना खाने नहीं जा रहे हैं, हम पिकनिक पे जा रहे हैं अभी। अजन अस्सलाम वालेकुम। अभी साथ में कुछ टिप्स शेयर कर रहे हैं यार उसामा, देखो एक छोटी सी टिप्स है, जहाँ हम जा रहे हैं ना तो आपने सीधा गाड़ी, आपको बाहर से कोई बाइक वाला इशारा करता है, कुछ भी करता है, आपने उसकी तरफ देखना ही नहीं, जैसे आपने देखा ही नहीं है, तो गंदे इशारे करेगा या क्या करेगा वो, आपको फिर ख्यालों की तपिश वाले इशारे करेगा। अल्लाह खैर करे, अभी इसी ये लसबेला के साथ, लसबेला भी मेरे साथ स्नैचिंग हुई है जी, तो बस आप चार दिन पहले तो देख ले, आपने कुछ सोचना नहीं, आपने सिर्फ सीधा निकालना है गाड़ी, आपने अनसुनी अनसुनी करनी है। अबे एहतिशाम कहाँ गया? एहतिशाम भाई सुन रहे हो? हाँ सुन रहा हूँ। अबे क्या कर रहे हो तुम, कोटा जा रहे हो, पेशावर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? जहाँ वो अखरोट लेके जा रहे हैं वहीं जा रहे हैं। हादी अखरोट? हाँ। कितने? इसको यहीं रखो, ये बाद में नीड होगी आपसे भी इसकी। हाँ। ये तकरीबन कितने 45 मिनट्स की ड्राइव के बाद हम पहुँच गए इस जगह पे। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दी हमने, बाय बाय कराची। हमने गाड़ी का पार्क कर दिया, पता नहीं तुम गाड़ी समय चलो अंदर। ये जहाज के बराबर में बाइक पर, गाड़ी पार्क कर दो। एहतिशाम ये बातें ना कर अब तू यार। ये हैं वो बगैर हादी, इनका नाम अब्दुल हादी है। हादी तुम क्या ना, रोड बहुत अच्छा था, अच्छा लग रहा हूँ, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, वही है ना जिन्होंने कल कहा था पाकिस्तान जीतेगा। मैंने वैसे उसकी वो भी की थी, उसामा मीर के साथ ही था। तू तो बेटा किसी के साथ नहीं है। जो हादी तुम क्या खिलाने लेकर आया हो यहाँ पे, तुम मूछों को ताव मत दो इतना। बकरा यार मेरी आज मूछें पता नहीं बहुत अजीब सी हुई थी। तो बकरा खिलाने लेकर आया, तुम कहाँ बकरा? बकरा खाएंगे सबको, और जो है ना क्या दिखा रहे हो, बकरा दिखा रहे हो? क्या दिखाते हैं कोई जितना तुमने ख्वार करवाया है ना यहाँ तक पहुँचाने के लिए। रोड ऐसा था कि हर लम्हे लग रहा था मोबाइल जाने वाला है बस। क्योंकि हम लोग स्पेशली बकरा खाने आए थे तो हमने परमिशन लेने के बाद किचन में जाके बकरे का दीदार किया। हमारे ही सामने उसने इसको फ्राई किया और फ्राई होने के बाद इसकी शुगर कुछ ऐसी निकल आई, तो जिसको देख के हमने बोला यार बस ये डायरेक्ट खा ले। तो थोड़ी देर लगी इसके बाद ऑब्वियसली सर्व होने में, तो जब तक साथ भाई और मैं ये रिसर्च कर रहे थे कि यार ये देखने में इतना हसीन है तो खाने में कितना हसीन होगा। अरे ये खाने आए हो तुम कराची से यहाँ पे? देख लिया, देखने में तो बड़ा मज़े का लग रहा है, देखो खाने में कैसा होता है। भाईजान खाने में कैसा होगा ये बताएं आप। दीदार के 15 मिनट के बाद जब ये दोनों बंदे, ये बकरा और चावल जिसका एक्चुअल नाम भी मुझे नहीं पता, लेकर आ गए, तो बस ये देखने के लायक मनाजिर थे। खूबसूरती चेक करें यार, खूबसूरती चेक करें इसकी, और वो खुदा की कसम ये जितना देखने में लजीज है उससे कई ज़्यादा बेहतरीन ये खाने में था। तो भाई
मज़ा ही आ गया इसको खाने के बाद तो मज़ा है ना वो इसके रेशा रेशा अलग हो रहा है ना ये नुमान भाई तोड़ लें इसका रेशा रेशा अलग करेंगे नुमान भाई भी ये अरे पैसे इसी के हैं कैसा है हा? अल्लाह का शुक्र तू सुना तू कैसा है अबे खाना कैसा है खाना भी अल्लाह का शुक्र बहुत ज़बरदस्त तबीयत तो ख़राब थी ना तुम्हारी तुम तो कह रहे थे मैं खाऊंगा नहीं मेरी है तुम्हारी मेरी भी ख़राब थी मैं भूल गया क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी तो हमने फ़ौरन चाय पी और घर का रुख किया इम्तहान ना अब शुरू है 7 बजे हमारा अब हम जा रहे हैं वापसी और हमें नींद आ रही है तो क्या प्लान है सोना वोना है गाड़ी चलानी सीधी नहीं मैं तो गाड़ी चलाऊंगा हम लोग सो जाएं फिर अतिशाहपुर में मजा आया यहाँ पर आके बताओ जल्दी से ब्लॉग एंड करने बहुत मजा आया उसामा भाई बहुत मजा आया एंजॉय किया बिल बहुत अच्छा था सारी चीजें थी 7 बंदों ने हम मिलके जो है वो 10,000 का खाना खा लिया तो वर्थ इट बहुत मजा आया चलिए जी मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ अब ज़्यादा बोलने की हिम्मत है नहीं क्योंकि पेट भर गया है अब एक लंबा रास्ता है अगर हम खैर खैर से कराची पहुँच गए तो ये व्लॉग आपको मिल जाएगा इंशाअल्लाह अल्लाह हाफिज़